की आवाज कैसे नहीं आ रही है? हेलो हरीश जी, हाँ जी सर, आवाज कैसे नहीं आ अब रही सर नेट के की? चक्कर में क्या उनकी नहीं आ रही हो? नेट अच्छा अच्छा कनेक्शन तो होगा अच्छा ना, अच्छा अच्छा नेट के लिए हो सकता है कोई दिक्कत? हेलो, हाँ जी, नेटवर्क इशू अभी दूर नहीं हुआ। हाँ
कुमार हेलो ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ, अरे मैंने उसमें मोबाइल में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हूँ स्टूडेंट से, ठीक है ना? चलिए चलिए, ठीक है सर, स्टार्ट कर लिया बेटा। इसको वो करना हो तो ना, हाँ ओरिएंटेशन इधर उधर हो जाए, घूम जाए, क्या बोलते हैं, ऑटो रोटेट हुआ। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ नमस्कार। सर नमस्कार, आज कुछ नेट ऐसी प्रॉब्लम हो गई और लाइट भी चली गई थी अभी। भी रात थोड़ा सा लेट हो गए तो सबका आपका स्वागत है। सर सचिन जी जुड़ गए क्या? हेलो सचिन खेड़ीकर जी, चुके हैं प्रोफेसर सचिन जी? मैं जुड़ गया। सर थोड़ा सा आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रही है नेट की, कुछ लाइट वाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ भी थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा डिलेट हुआ। मैं तो बस शुरू कर ही रहा हूँ सर। ये है डॉक्टर निधि जुड़ गए हैं? डॉक्टर निधि जुड़ गए हैं क्या? बस हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक, हाँ शुक्ला जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर निधि, और बताइए क्या हालचाल? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं कार्यक्रम शुरू करूं सर फिर? बेटा वहां तो आज हम सभी हमारे जो महान विभूति हैं प्रोफेसर दिनकर गोविंद थत्ते जी, स्वर्गीय दिनकर गोविंद थत्ते जी की जो उनका जो जीवन है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो जो है शरीर के लिए समर्पित रहा, उस संबंधित जो हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है उसकी विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परम आद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाट्यांधकार अस्त स्फटिक मालिकाम विदती पद्मासनवंदे ताम वरेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदा। आज माँ सरस्वती का अभिनंदन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करके मैं इस कार्यक्रम में आज हमारे मध्य मौजूद हमारे व्याख्यानकर्ता प्रोफेसर सचिन खेड़ीकर जी, जो साइंस आयुर्वेद मेडिकल साइंस भोपाल में रचनाशाली विभाग में विभाग के पद पर कार्यरत हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर गोविंद शास्त्री, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे डीन अकेडमिक, हमारे रचनाचार्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारा बहुत ही इसी अवसर पर हम एक पैरेलल एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रोफेसर दिनकर गोविंद थत्ते जी की स्मृति में,
नेशनल लेवल ऐसे कंपटीशन हम आयोजित करते हैं, उस कड़ी में हमारे बीच में हम लोग तीन लोग जुड़े हुए हैं, रवि श्रीवास्तव जबलपुर से। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो है हमारा जो ऐसे कंपटीशन है उसका भी आज हम रिजल्ट क्लियर करेंगे। तो मैं इसके साथ ही सबसे पहले जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा कार्यक्रम की शुरुआत के साथ में ही कि हमारा जो ये जो सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्य कुमार जी का विजन है, का एक सपना है, जिसके आधार पर हम पूर्ण देश को जो है विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञानवर्धक जो कार्यक्रम है वो आयोजित करते हैं, चाहे वो लेक्चर हों, चाहे सेमिनार हों, चाहे वेबिनार हों, या कोई कंपटीशन हों। इस प्रकार के हम कई गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में इससे पहले हमने कार्यक्रम आयोजित किया था अकेडमी इंडस्ट्री कोलेबोरेशन के ऊपर, जिसमें प्रोफेसर सी के कटियार जी जो हमारे इमामी हेल्थ केयर प्रोडक्ट लिमिटेड हैं जंडू फार्मा का, उसका जो है सीईओ थे टेक्निकल, और ऐसे करके, और उससे पहले हम फार्मा ओपियोइड अवेयरनेस जो है उसके ऊपर हमने लेक्चर आयोजित किया था कटोच के चेयरमैन थे फार्माकोपिक्स। तो ऐसे हम कई प्रकार की गतिविधियां, डिपार्टमेंटल लेक्चर हमने पिछले साल आयोजित किए थे, सारे के सारे डिपार्टमेंट लेक्चर आयोजित किए थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप आयोजित की। और इसी कड़ी में ये एक ऐसा अवसर हमको आया था जब 30 तारीख को हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ था अकेडमी जिसका कोलेबोरेशन पे, और दैट वेरी डे मैंने उससे चर्चा की कि हम कल 1 मई को प्रोफेसर सत्य जी का जो है पुण्यतिथि है, और इस अवसर पर हम जो है में एक व्याख्यान माला आयोजित करना चाहते हैं सीएचआरडी के माध्यम से व्यावहारिक शारीरिक पर, जो 27 जुलाई उनके करेगी, और उन्होंने बड़े ही अनुकंपा करते हुए हमको तुरंत प्रदान की। मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी कड़ी में हम हर बुधवार को लेक्चर आयोजित करते थे, जिसके तहत हम 7 लेक्चर्स आयोजित किए। उन लेक्चर्स का मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। सबसे पहला लेक्चर हमारा, क्योंकि हमारा ये अंतिम कंक्लूडिंग सेशन है, और आज जो है हम जन्मदिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने उनके स्मृति में जो लेक्चर आयोजित किए हैं, उन लेक्चर्स के बारे में 7 लेक्चर, आज 7वां लेक्चर है हमारा प्रोफेसर सचिन खेड़ीकर जी के द्वारा। पहला लेक्चर हमारा प्रोफेसर जी एम कंठी, जो उडुपी में एसडीएम कॉलेज उडुपी के रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड हैं, उनका लेक्चर हुआ था 5 मई को, एक क्लिनिकल एनाटॉमिकल अप्रोच टू कला शारीर विद स्पेशल रेफरेंस टू पल्मोनरी एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कोरोनावायरस विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-19। दूसरा लेक्चर हमारा प्रोफेसर के एन सिंह बीएचयू, जो आईएमएस बीएचयू में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के संरचना विभाग में प्रोफेसर एंड हेड है, उनका लेक्चर 19 मई को हुआ था, वो आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ खुदा विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्जिकल एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमिकल रीजंस। और तीसरा लेक्चर हमारा हुआ था प्रोफेसर नीलेश कोडे जी का, गोवा से, गोमांतक आयुर्वेद कॉलेज गोवा से, रचनाचार विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, 2 जून 2021 को, उनका लेक्चर अप्लाइड एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ शारीर फिजिकल बॉडी के ऊपर था। तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर प्रोफेसर बी जी कुलकर्णी पारुल यूनिवर्सिटी संरचना विभाग में प्रोफेसर हेड है, प्रिंसिपल प्रोफेसर हेड हैं, उनका लेक्चर हुआ था 16 जून को, सर्जिको एनाटॉमिकल कंसेप्ट ऑफ मर्मास। पांचवा लेक्चर हुआ था प्रोफेसर प्रीति देसाई जी MG MAC महात्मा गांधी मेडिकल आयुर्वेद कॉलेज वर्धा महाराष्ट्र से, 30 जून 2021 को, क्लिनिको एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ कला शारीर के ऊपर। और उसके बाद हमारा जो गत जो लेक्चर हुआ था प्रोफेसर सरोज पाटिल जी तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे में, रचना शारीर विभाग में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हैं, उनका 14 जुलाई को हुआ था अप्लाइड परस्पेक्टिव ऑफ आयुर्वेदी गर्भ शारीर के ऊपर। और आज हम उपस्थित हैं प्रोफेसर सचिन खेड़ीकर के साथ में, जो है अंतिम जो लेक्चर हमारा आज प्रोफेसर अंडरस्टैंडिंग सब्ट कलाज इन क्लिनिकल परस्पेक्टिव। तो आज ये हमारे जो हमने जो गतिविधि आयोजित की थी, इसका संक्षिप्त विवरण था, प्रतिवेदन था, और इसमें देश भर से हमारे विद्वान जुड़े थे, देश भर से हमारे जो पीजी स्कॉलर हैं या और जिनको मैं नहीं जानते हैं ऐसे फैकल्टी, और सब लोग जुड़े, और उन्होंने हमारे को कार्यक्रम को बहुत सहयोग किया देख करके।
तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं अब इसके बाद में प्रोफेसर दंको गोविंद जी को स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, उनका एक जानकारी देना चाहूँगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ हो रही है डॉक्टर साहब। ठीक है, इसकी फोटो बहुत जरूरी है। प्रोफेसर लेट प्रोफेसर दंकल गोविंद थत्ते, जिनकी स्मृति में हम ये कार्यक्रम आयोजित आज कर रहे हैं। बर्थ उनका जन्मदिवस है 27 जुलाई 1930 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1 मई 2017। आपका जन्म दिनकर थत्ते वॉज बॉर्न इन ए ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फैमिली विद एकेडमिक इंटेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ही वॉज इंटरेस्टेड इन आयुर्वेदा एंड इंडियन मेडिसिन। He graduated from Lucknow University with gold medal and obtained his honorary postgraduate from West Germany. He obtained his honorary doctorate from Sri Lanka in the year 1983. Professor D.G. Thatte was the founder director of All India Research, Shari Research. He shared the responsibilities, principal and superintendent, State Ayurvedic College, Lucknow. Dean Faculty and Ayurveda Lucknow University, Head of the Postgraduate Department of Ratna Sharir, State Ayurveda College of Lucknow, Additional Director Ayurveda and Yunani Services, Government of UP Lucknow. He has been the Guru of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Delhi. He was the Visiting Professor of Department of Basic Principles, Faculty of Ayurveda Institute of Medical Science, PHU, Varanasi for more than 3 years. He established a renowned institution, All India Sharir Research in Lucknow. He established this institute in the premises of Sant Kapal Nagar, Sandila, district Hardoi, but later on he shifted it to Lucknow in December 1998. It is registered organization under Societies Act and it aims to develop skilled academicians of Ayurveda along with proper understanding of the structure and function aspect of the human body. The awards and honors earned by him are recipient of State Award for Meritorious and Laudable Services as a teacher of Shari in 1974 from Government of UP, Lucknow. Dr. Birbal Sahni Scientific Award from UP Government in 1976. 2 Ayurveda and Tibbi Academy Awards from UP Government in 1978. Pranacharya Honorary Degree conferred by Ayurveda Mahasammelan Rajasthan, Jaipur. International Award of Excellence in Ayurveda for Best Ayurveda Author from Academy of Ayurveda, Pune. And Ayurveda Shiromani Award from Ayurveda Mahasammelan, Rajasthan, Jaipur. Recipient of Icon of Ayurveda from the hands of ex-President of India, the legendary personality, Dr. APJ Abdul Kalam. In all, he has been awarded with 12 prestigious awards, including these, his life. His academic achievements, books written and published by late Professor are Manav Sharir, published by Ayurveda and Tibbi Academy, Lucknow, Manav Bhoon Vigyan, Ayurveda and Tibbi Academy, Lucknow, Current Trends in the Study of Sharir by Chokhamba Orientalia, Varanasi, Vidyut Hrilekh, Chokhamba Orientalia, Varanasi, Sharir Supashit Shatak, Chokhamba Orientalia, Varanasi, Ayurveda Sharirachna, Chokhamba Orientalia, Varanasi, Asthi Sharir, Chokhamba Orientalia, Varanasi. And surgical anatomy of Ayurveda, genetics in Ayurveda, role of perinatal printing in Ayurveda, neonatal analogy, neonatology in Ayurveda, elements of Sharir Gyan, and many more. A total of around 21 incredible books are given by him for the sake of
Ayurved fraternity, Ayurved Rachna Sharir and Ayurved fraternity. So this was the brief introduction of our revered Professor Vijit Deshpande. Now, as I move ahead in the next step, I would like to request the principal of our college, Professor Govind Sai Shukla ji. I welcome him to this program, and he has spared some time. I'm thankful to him that he has spared some of his valuable time. Sorry, sir, we couldn't connect early as we were having technical issue. Sir, I request you to please deliver the welcome speech for this Professor Govind Sai Shukla. धन्यवाद राकेश जी। यत् प्रभा पटलोद्भाषी भाषते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति ही शाश्वतम न प्रकाशताम। गोविंद थत्ते जी जैसे व्यक्तित्व को लेकर के उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के सूत्रधार में कहूँ, बाकी मुझे तो लगता है कि प्रत्येक जो उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले शिक्षक हैं, छात्र हैं, वो सभी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। फिर भी मैं आदरणीय राकेश जी, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी और आपके साथ में जुड़े हुए सभी आपके सहयोगी महानुभाव, आपके माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए सभी जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी शिक्षक, छात्र, अन्य बंधु, सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वागत मेरा करना अत्यंत सार्थक यूँ हो जाता है कि निश्चित रूप से आदरणीय दिनकर गोविंद थत्ते जी से उनके हम वो लोग हैं जिन्होंने उनके दर्शन भी किए हैं, उनके पुस्तकों को पढ़ा है, उनके व्याख्यान को सुना है। निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व, अभी आदरणीय राकेश जी ने कहा कि उनका जन्म और तिथि, जो उनकी वैकुंठवास गोलोकवास की जो तिथि थी एक भाई, और साथ में 27 जुलाई आज उनका जन्मदिन है, तो उनका देहावसान हुआ, उनका वैकुंठवास हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व का, जिनके विचारों का आज तक हमारी पीढ़ियों के सामने पहुँचना बहुत आवश्यक था, और इस विषय को लेकर के पूरे देश भर के अंदर एक समुदाय विशेष, आप कुछ लोगों ने इस विषय को लेकर के उनके विचारों को आज तक हमारे साथ में साझा करते आ रहे हैं, हमारे साथ उनको प्रेषित करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज गोविंद जी थत्ते साहब हमारे साथ में नहीं है, लेकिन अपने विचारों के साथ, अपने जो उनका संकल्प था रचना शरीर को लेकर के, उस संकल्प के साथ, उस विचार के साथ आज भी हमारे साथ में जीवंत अवस्था में हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि एक रचना शरीर विषय के अप्लाइड एस्पेक्ट को लेकर के, क्योंकि एक जब रचना शरीर पढ़ते हैं तो ठीक है, एक शरीर रचना के दृष्टिकोण से पढ़ लें, लेकिन उसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर के एक थत्ते साहब की स्मृति में इस प्रकार का आपने लगभग 7 लेक्चर्स आयोजित किए हैं, और वो देश भर के प्रख्यात जो शरीरविद हैं, जिनका अपना वर्षों का अनुभव है, उनको मैं कहता हूँ कि ये आज का जो इस माध्यम है, आवासीय माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम से, उन सभी को मैं डॉक्टर कंटे, प्रोफेसर कंटे साहब को मैंने सुना, और भी बीच में जो आपके वक्ता रहे उनसे हम रूबरू होते रहे इस माध्यम से, तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आपकी स्ट्रीम के माध्यम से हुआ है। बहुत बड़ा देश है, कौन करेगा, ये विषय अलग है, लेकिन करने वाले के मन में एक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे विषय को, जो महत्वपूर्ण विषय है, इस थत्ते साहब की स्मृति, जिनका संपूर्ण जीवन रचना शरीर विषय को लेकर के, और अभी आदरणीय राकेश जी ने बहुत कुछ बताया कि उनको जो कितने उनको सम्मान मिले हैं, कहां कहां पर वो पुरस्कृत हुए हैं। निश्चित रूप से मैं थत्ते साहब को स्मरण करते हुए ये कहता हूं कि जो सम्मान थत्ते साहब को मिले, वो थत्ते साहब को सम्मान नहीं, बल्कि वो सम्मान थत्ते साहब को पाकर के सम्मानित हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आप एक पूरी अलख जो जगा रहे हैं, आप सभी लोग मिलकर के एक रचना शरीर विषय, जो खाली प्रथम वर्ष में पढ़ने के बाद में और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में ऐसा भाव लेकर के चले जाते हैं कि भाई ठीक है कि हमने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को लेकर के और देश भर के अनुभवी शरीरविदों के माध्यम से उनके विचारों को पूरे हम सबके साथ में साझा हुए, और निश्चित रूप से हो सकता है कई बार हम इस आवासीय माध्यम से कम जुड़े, लेकिन उनका विचार जब एक बार वो रिकॉर्ड हो गया है
तो निश्चित रूप से वो विचार आने वाली पीढ़ियों तक जाता जाएगा। तो मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य को आप लोगों ने संपादित किया, थत्ते साहब की स्मृति में किया, इसलिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित और गरिमामयपूर्ण कार्यक्रम है। तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आपका धन्यवाद करने के लिए, आपको साधुवाद देने के लिए थत्ते साहब की स्मृति में मुझे अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से मुझे भी एक सम्मान और गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत आभार सर आपका प्रोत्साहन, आपका हमारे इस कार्यक्रम के प्रति जुड़ाव, ये सहज ही आपकी जो हमारा प्रवृत्ति है ज्ञान वर्धन की जो हमारी जिज्ञासा प्रवृत्ति रहती है उसको इंगित करता है। और हमारे जो इस व्याख्यान श्रृंखला की जो सफलता है उसको कहीं इंगित करता है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। और कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब जो हमारा एक बीच में हमने एक प्लॉट और लिया है आरोग्य मित्र समिति जो जबलपुर में स्थित एक संस्था है, वो हर साल उनके माध्यम से हम लोग जो है प्रोफेसर टीजी थत्ते स्मृति राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं ज्ञान धारा नाम से। और चतुर्थ अभी तक हम चार कर चुके हैं, तीसरा तीन कर चुके हैं, ये चौथा हमारा प्रयास था। और इस चौथे प्रयास में इसमें हम देश भर के जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने अवसर खुले रखे थे और उससे काफ़ी संख्या में हमारे पास लेख प्राप्त हुए। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे एडजुडिकेटर थे उनके द्वारा इवेल्युएशन करवाया गया और उस इवेल्युएशन के उपरांत जो हमारे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका जो है बताने के लिए, उनको घोषित करने के लिए हमारे जो टीम है उनमें से मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूँ। आप जबलपुर आयुर्वेद कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष कार्य में आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारें और उक्त रिजल्ट को डिक्लेयर। डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत नमस्कार। राकेश जी, मैं सब लोगों का जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने आप सबके और हमारे थट्टे सर के स्मृति में जो ये प्रोग्राम रखा है। तो ये जो प्रोग्राम है, आरोग्य मित्र समिति जबलपुर में एक समिति है जिसमें कि आधुनिक विधा के भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और डॉक्टर रवि श्रीवास्तव इसमें सेक्रेटरी हैं। तो हम लोगों ने थट्टे सर के मरणोपरांत ये सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को और स्टूडेंट्स को हमेशा सम्मानित करते रहते थे मेडल्स के द्वारा, रुपयों मतलब जो चेक वगैरह चेक देते थे, एमडी पीएचडी थीसिस अवार्ड देते थे। तो उनकी याद में कुछ ऐसा जिससे कि सब बच्चे जुड़ पाएं और उनके नाम को अमर बनाने के लिए एक प्रोग्राम आरोग्य मित्र समिति की के तहत स्टार्ट किया गया। तो इसमें जो रिजल्ट जो हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो ये प्रोग्राम हम लोग थट्टे सर की पुण्यतिथि जो कि 30 अप्रैल है, तो हम लोग उस दिन हम लोग इसका नेशनल एसे कंपटीशन का ब्रोशर जो है वो हम लोग नेट पे या उस पर डाल देते हैं, जिससे कि और बच्चों को समय देते हैं 1.5 महीने का, जिससे कि वो लेख लिख सकें, ऑल इंडिया के बच्चों को समय देते हैं। फिर उसका जो रिजल्ट है हम लोग 27 तारीख को उनके जन्म दिवस पे घोषित करते हैं। इस तरीके से बीच में जो 2.5-3 महीने का समय है ये हम लोग समझ लीजिए रोज उन्हें याद करते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे उन्हें जब लेख लिखते हैं तो हमारे पास कई तरह की क्वेरीज भी आती हैं, तो उनका नाम चलता रहता है। तो अब जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो चुका है, तो उसको मैं आपके समक्ष पेश करना चाहती हूँ। तो इसमें हम लोग रिजल्ट ऑल इंडिया से लेख तो बहुत सारे आते हैं, पर इसमें हम लोग 3 सर्वश्रेष्ठ जो लेख होते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। उसमें हम लोग प्रथम 7,000 रुपये की धनराशि, द्वितीय 5,000 की और तृतीय 3,000 की धनराशि देते हैं, साथ में गोल्ड मेडल देते हैं और सर्टिफिकेट्स देते हैं। इसके अलावा 10 सर्वश्रेष्ठ लेखों को, मतलब 3 तो उसमें सम्मिलित हैं, 7 और उन 10 लोगों को हम लोग उनके लेखों
को एक पत्रिका में संकलित करते हैं, वो पत्रिका ISBN नंबर की होती है आरोग्य मित्र समिति के तहत। तो इससे बच्चों को ये भी लाभ मिलता है कि उनके लेख ISBN पत्रिका में छपे। और सर्टिफिकेट्स हम लोग सारे कैंडिडेट्स को देते हैं जो जिन्होंने की पार्टिसिपेशन किया होता है, साथ में उनके गाइड्स और मॉडरेटर्स जो उनको बताते हैं, जो उनके गाइड्स होते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं सर्टिफिकेट्स के द्वारा, और जो हमारे जजेस होते हैं उनको भी सर्टिफिकेट्स के द्वारा सम्मानित करते हैं। तो अब हम आपके मैं आपके समक्ष नाम पढ़ना चाहूंगी। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश पपरौला कॉलेज की डॉक्टर रेणु यादव ने, जो कि प्रसूति तंत्र, स्त्री एवं प्रसूति तंत्र में PG कर रही हैं। दूसरा स्थान मिला है डॉक्टर उमर रैकवार, जो कि खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में शरीर रचना में PG कर रही हैं। तीसरा स्थान मिला है डॉक्टर अशोक दास, जो कि PG डिपार्टमेंट ऑफ द्रवगुण के छात्र हैं, IPGTRA जामनगर। ये तीन जो हैं ये हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनको हम लोग धनराशि, पहले हम लोग क्या करते थे कि एक सेमिनार आयोजित करते थे, उसमें उन बच्चों को बुलाते थे, उनका आने जाने का किराया, उनको होटल में रुकने का पूरा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये देते थे। इसके अलावा उनको मंच पे सम्मानित करते थे, लेकिन अब हम लोग इनको चेक के द्वारा इनका जो इनको प्राइज मिलता है वो हम लोग बैंक में डायरेक्ट डाल देते हैं। इसके बाद चौथा जो प्राइज मिला है वो है डॉक्टर रीतिका पाठक, रायपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर को। चौथा मिला है डॉक्टर भाग्यश्री टांडेल, नाडियाड, गुजरात। छठा प्राइज मिला है डॉक्टर अभिषेक केशरवानी, रायपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर। सातवां प्राइज मिला है डॉक्टर अरविंद यादव, भोपाल, PG डिपार्टमेंट ऑफ शरीर रचना, खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज। आठवां मिला है डॉक्टर शैलेश सिंह, PG डिपार्टमेंट ऑफ रचना शरीर, उदयपुर, MM आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर। नवा स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर तराना अमेठा, ये भी PG डिपार्टमेंट रचना शरीर, MM आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर की छात्रा है। दसवां पुरस्कार डॉक्टर नदीशा अबे गुना सिकारा, NIA जयपुर। इस प्रकार से 10 लोगों को, इन लोगों के लेख एक पत्रिका में, फिर ये पत्रिका हम लोग इस समय ऑनलाइन रहती है और हम लोग देश भर में इसे भेजते हैं और इन बच्चों को स्पेशली भेजी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि इस बार चौथा प्रोग्राम था। और आप देख रहे हैं इसमें जैसे हिमाचल प्रदेश से लेकर के जामनगर, भोपाल, रायपुर, उदयपुर, नाडियाड, जयपुर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया के इसमें पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं। तो इसी इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनसे कामना करती हूँ सबसे कि थट्टे सर हमेशा ये चाहते थे कि सब लोग पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आप लोग रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आप लोग रिसर्च करते रहें और इसी तरीके से शरीर रचना विधा को आगे बढ़ाते रहें। आप सबका धन्यवाद सर। हो गया मेरा वाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। मैं आपको एक बार वापस जो है बहुत है रिजल्ट का स्क्रीनशॉट एक बार और मैं आपको चलिए ठीक है आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आज के हमारे जो वक्ता हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मैं प्रोफेसर सचिन खेड़ीकर जी को, आप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं, आपने कम ही समय में अपने आप को भारत भर में अपने आप को स्थापित किया है रचना शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर सचिन खेड़ीकर आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर
श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन बैरागढ़ कोला रोड भोपाल में। आपका जो परिचय के अंतर्गत जो आपका जो ना भी आपका उपलब्धियाँ हैं उसके अंतर्गत आपने अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया महाराष्ट्र से और एमडी आपने कम्प्लीट किया गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़। आप अभी पीएचडी कर रहे हैं रचनाशाली दत्ता मेघ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा से और प्रेजेंटली आप अभी प्रोफेसर रचनाशाली प्रिंसिपल। इससे पहले आप जो है प्रोफेसर रचनाशाली एंड प्रिंसिपल श्री ओ एच नाजर आयुर्वेदिक कॉलेज सूरत में काम कर रहे थे और 13 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है जिसमें 7 साल का आपका पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने स्कॉलर्स कंप्लीटेड द प्रोफेशन अंडर योर गाइडेंस। आपने 2 पेटेंट्स फाइल किए हैं आयुर्वेद में जिनमें से एक आपका संरचना से संबंधित है। आपने 2 यूनिवर्सिटी से फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल किया है और टिल टुडे आज तक अभी तक आपको 8 अवार्ड्स आयुर्वेद के क्षेत्र हैं। आपको 25 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पब्लिकेशंस जो पीयर रिव्यू जर्नल हैं उनमें आपके आर्टिकल और रिसर्च पेपर छप चुके हैं एंड यू हैव रिटन 3 चैप्टर्स इन डिफरेंट बुक्स ऑफ आयुर्वेद एंड नाउ डेज यू आर वर्किंग एज रिव्यूअर एंड सब एडिटर इन 4 जर्नल्स and you have been honored as chairperson in more than 15 international and national conferences. You have been called as guest speaker and keynote speaker in 10 conferences, national webinars, and you have presented more than 25 research papers in international and national conferences. You have worked at various administrative positions at DMIMS, Lata Mehta Institute of Medical Sciences, DMD University, Wardha, and you have also worked as principal professor in CHOH Nazir Ayurved College, Surat. So, sir, this is a brief introduction of your biodata, your activities, your achievements. And now onwards, I request you to please share your views regarding understanding Sapt Kalas in clinical perspective to your dimensional lecture. Thank you very much. Professor Sachin Khedikar, sir. Dhanyavad Rakesh ji. Okay. Start karna hai mujhe? Ji. Meri awaaz aa rahi hai? Bilkul aa rahi hai. Okay. Dhanyavad Rakesh ji. Ji. Aaj jinke upalaksh mein एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हमारे सम्माननीय परम श्रद्धेय डॉक्टर डी जी थत्ते सर जिनकी स्मृति में ये आज का कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि शरीर रचना में इतने लेजेंडरी जो हुए हैं बहुत ही उनका कंट्रीब्यूशन रहा है शरीर रचना को आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया और हमारे जैसे एक टीम उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में तैयार की है इसलिए उनका मैं सबसे सर्वप्रथम उनको नमन करता हूँ। साथ में राजस्थान एसआर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर जिनके माध्यम से एक कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है उनके ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी साथ ही डीन एकेडमिक्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महेंद्र शर्मा जी प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज प्रोफेसर गोविंद शुक्ला जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मार्गदर्शन किया इस विषय पर और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे मित्र राकेश शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी तथा इनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है आईटी सपोर्ट के लिए डॉक्टर हरीश सिंघल जी तो इन सभी महानुभाव का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आज का जो विषय है उस विषय के ऊपर में हम आज व्याख्यान करेंगे। सारे पीपीटी दिख रही है
PPTs. Okay, sir, am I audible? Audible, Dr. Sir. Okay, thank you, thank you. Audible. Today's topic for this webinar is understanding Saptakala in clinical perspective. Before going to clinical perspective of the Kala, we will briefly review the literature related to this Kalas. Most of the our scholars, there are, I think, teachers are there and they are knowing the basic concepts. We will fastly review these concepts. Now, what is Kala? This Kala are the interface between the Dhatu and Ashaya. As you know, these are not only the limiting membranes, but they are perform the certain functions in our body. And this Kala are comparable with the membranes, and these membranes may be of fibrous, serous or mucus type. These are the different meanings of the Kala. Out of these, it is one of the body part. It is Kala Shabda is also implied for the quality or property. So in case of Sharir Rachna, when we review the literature related to Kala, three main meanings of Kala we remember, that is, one is membrane, that may be fibrous, serous or mucus. Then one is part of the body and another is qualities. And this qualities meaning is also we found in the commentary of the Dallan, which is given in this Anyatu Kala Shabdam Anga Pratyanga Anga Pratyangashva Mananti. So ye teen jo shabda hai, membrane, part of the body or qualities. We want to study all these three because proper understanding of this term, we will come to the proper conclusion of this Kala. Then in case of Dhatva Shayantar Maryada, Acharya Dallana has clarified that means these components of the body like Ras, Rakta, Kapha, Purisha, when they functions normally, they are called as the Dhatu. And the hollow structure which hold these Dhatus are known as the Ashaya. And the limiting membrane or the partition between this Dhatu and Ashaya is known as the Kala. Now let us take the example of this Raktadhara Kala. Here we can see that in the cavity of this lumen, there will be the blood and that will be surrounded by the structure of these vessels. And in between this cavity and vessels, there will be minor or small partition. That may be in case of this Raktadhara, this is partition found is the endothelium. And this is in the lower part extracellular matrix. These are the partitions which separates the Dhatu and Ashaya. And remembering this, the concept of Kala can be understood in case of the other Kalas also. Now, what is the nature of Kalas? Nature of Kalas, it is core of wood piece exposed by cutting into it. Similarly, Dhatus of the body are visible by removing the superficial layers. Means whenever we want to go to the deeper structures of the body, we have to cut or incise or dissect the superficial structures. Then only the deeper structures of the body are visible. Similarly, these Kalas are also the deeper structures. These are not the superficial structures. Whenever we want to see the Kalas, we have to dissect or incise the body. Sound problem or yes, sir? Awaaz nahi aa rahi. Then, hello? Awaaz nahi aa rahi. Beech beech mein thoda sa disturb hota bhi aa rahi. So, then Kala are snayu, supplied with the snayu, bathe din jarayu and encased in sleshma. So these three components, that is snayu, jarayu and sleshma, they are called as the upadan karar, or these are called the
generating for this kala. Now simile of the kala, as we have read in previous shloka, that is etahi sarakasti suchidda mani shudusite. The simile we can use that whenever heartwood or the core of the wood we want to see, we have to cut the wood. Similarly, when the dhatu means the bones of the body we want to see, at that time we have to dissect or incise these structures. So this simile has been given to describe the extent or the kala. When kala and twacha, both are the covering membranes, but there is the slight difference between this kala and twacha. When we go to the fourth chapter of the Sharirsthan, Garbha Vyakaran Sharin, here we can see that first Acharya Sushruta described the twacha, and after immediate to that twacha he has described the kala, and both are the coverings. And what is the minor difference between this, the kala and twacha, we can see in this internal coverings of the body, while twacha are the external covering. Happy. Big difference in these two. सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी नहीं दिख रही है सर. हाँ, यहाँ पर भी मुझे डिसअपीयर हो गई. एक बार वापस 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 स्क्रीन शेयर करें. नेट आ रहा है ना सर? नेट तो है. अब आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, लेकिन नेट नहीं आ रहा, आपका फोन नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन तो अभी दिख रही है सर मुझे, बिल्कुल भी नहीं आ रही है नेट. आ रही है? हाँ, अब आ रही है, आ रही है. When we go to the Utpatti of the Kala, according to Ashtanga Sangraha, it is written that Yastu Dhatva Sayantarishu Kledo Snayu Sreshma Jarayu Channa Kastriva Saru Dhatu Saru Sheshu Rasa Sheshu Patvata Kala Sadnya. Means this Kleda, which lies between the Dhatu and Ashya, undergoes pachan due to its own produce during the dhatu process, it forms the kala, and it is like the caste sarapo or the wood place. It is covered by the sleshma, snayu and jarami. Thing which is highlighted here is the, it is formed from the clay, small quantity of the clay. Apart from that, he has also mentioned that dhatu sara seshu rasa seshulpa tvat, means dhatu essence part of the dhatu as well as the rasa seshulpa, minute quantity of the rasa. Means these three components here they have explained in context of the utpatti of the kala. When we put the example of this mucous membrane of the GIT, you can see that the water quantity or water content is more abundant in case of this. Now coming to the tissues of the body, because there are four types of mostly tissues in our body: epithelial, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Among these four type of tissue, epithelial tissue are more related with this kala, because we can see that epithelia derive from both all the three germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderms. So epithelia from ectoderms, epithelia from mesoderm and epithelia from endoderms. So these are the
tissues which are related with the kala, and when we correlate this kalas, means seven kalas, with the tissues of the body, then we can see in this table that Mansadhara, Raktadhara, Medodhara, Sleshmadhara, Purishadhara and Pittadhara kala. So embryological, when we go to the derivation of these structures, then first kala is from the mesenchyme, endothelium of the mesoderm, epithelium of the endoderm. Means most of these kalas which are described in Ayurveda are derived from the epithelium, derived from the either mesoderm or the endoderm. So in short, in case of the kala or utpatti of the kala, we can say that kleda is said to be the originating factor for the kala according to many acharyas, and kala is from a very little quantity of the rasa, and these kalas described in Ayurveda can be categorized as epithelium, mesothelium or endothelium coverings, which are mostly derived from the mesoderm or from the endodermal origin. So in short, we can say that kala are the structures of the body. They are minute structure of the body. They are internal coverings of the body, and they not only are the interface between the dhatu and ashaya, but apart from these only limiting membranes, they perform the certain functions of in our body. Now, types of kala, we know there are, most of the acharyas have described seven types of kala: mansa, rakta, medha, sleshma, purisha, pitta. The table is self-explanatory. We don't want to go to detail of this. Then coming to the classification of this kala, we can see when we come to the generating or originating factors or upadan karan of the kala, there are three types of kala, that is snayu, jarayu and sleshma. So that snayu can be correlated with the fibrous coverings, jarayu can be correlated with the serous covering, and sleshma can be correlated with the mucus layers, which are present in our body. And coming to the functional classification, you see that is again, I think this screen is lost, sir. Screen again is lost. Visible. Not, but once again, it is lost. Okay, I will share once again, sir. Now it is showing, sir. Yeah, it's showing. Now, functional classification, that is dharana, soshana, stravana, vivechana, means some kala are having the function of holding or support to the structures. Some kala are having the soshan or absorption, then secretion and selectivity. Mostly these four types of functions are performed by all the seven kalas. Now this is about the general description related to kalas. Now coming to the general pathological factors which may be seen in case of the kalas. For ecology of the general, when we see structural pathology, it may be the inflammation and the lesions in the membranes. For example, when we take the example of typhoid fever. In case of the typhoid fever, we know tears patches are present in the small intestine, and they are get swollen or inflamed in this disease. So this is a real type of deformity which may come due to some pathological reason in case of this kala. Then in case of the functional attributes, when we see, then accumulation disorders, there may be the due to dysfunction of certain type of kala, or the property of absorption, or this when there is the problem in case of the liver function, then there will be the ascites. Then altered permeability, if there is the alteredness in the permeability, means any type of kala is not performing well, at that time the inflammation may be the pathology which can be seen in that kala. Similarly, in general, in
के शब्द इंटरनल अति प्रवाह और मींस देयर मे बी द हाइपर सिक्रीशन और द लो सिक्रीशन दिस टाइप ऑफ पैथोलॉजी मे बी फाउंड इन केस ऑफ द इंटरनल लाइनिंग इन केस ऑफ द एक्सटर्नल लेयर्स द सिरा नाम ग्रंथि और ऑब्स्ट्रक्टिव स्वेलिंग नोडुल्स मे बी फाउंड एंड इंटरनल लाइनिंग एंड एक्सटर्नल लेयर्स द विमार्ग गनमन और डिस्प्लेस बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज सच टाइप ऑफ पैथोलॉजी मे बी सीन इन केस ऑफ दिस विमार्ग गमन वी नो इन दीज आर द फोर थिंग्स और स्त्रोतोदृष्टि कारण दे आर डिस्क्राइब दैट इज अल्टर्ड परमिबिलिटी ऑफ द कला इन केस ऑफ द अल्टर्ड परमिबिलिटी कला देन अभिशंद वी कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल दैट इज फैटी लिवर और कैल्सिफिकेशन एट वे राइट साइड्स मीन्स कैल्सिफिकेशन इज मोस्टली takes place in case of the bones but if it is takes place in another sites then it can be the vimarga gaman now coming to the mansadhara kala now this mansadhara kala tasam prathama mansadhara nam asya mase siras nayu dhamani stotasam pratanam bhavati in context of this mansadhara kala it is said that roots and stems of the lotus means branches of the sira snayu dhamni and strotas are spread or situated in case of the mansadhara kala so when we go to or the correlate this mansadhara kala with the modern anatomical structures we can say that there is one research study which is related with the deep fascia here they have collected the samples from the five fetuses in that study they have found that this deep fascia is present from week 21 of the human development in the lower back and the upper lower limbs and they have found that blood vessels nerves develop parallel to it and occasionally cross it from cross it from the deep to the superficial plane and the presence of TCA4 plus fibroblast in the deep fascia suggests a crucial role of this the text is that is siras nam bhavati means the branches of this siras nayu dhamni sutras are spread and exactly we found in case of the deep fascia in the modern anatomical literature and it is not only support the structures but it is also mentioned that TC4 plus fibroblast also help for the morphogenesis this is very important thing that we want to know related to this mansadhara kala then again of this deep fascia then extension of this fascia also forms the intermuscular septa and fibroareolar tissue for the muscle vessels and nerves and in case of this deep fascia also epimysium perimysium and endomysium these are the three structures of this deep fascia and all the three structures are involved in the spreading or all the spreading of these branches of arteries and nerves to the and through all these connective tissue septa these arterioles capillaries venules lymphatics and nerves towers to reach each muscle fiber so this is the thing the anatomically we must know what is the importance of this mansadhara kala in our body when we come to the clinical aspect of the mansadhara kala because what is the major role of this mansadhara kala means it supports the tissue or mans of the whenever there will be the deformity in case of kala definitely it will be leads to certain type of deformity in our body one of that deformity may be the shaithilya means main function of mansadhara kala is to support and when this support will be lost then there will be the some type of shaithilya or looseness may be seen in case of kapha shaithilya means when we see in the prameha vyadhi kapha shaithilya can be seen in case of the pandu pitta shaithilya can be seen
शिरा विकृति मे बी आल्सो सीन इन शिथिलता व्याधि जैसे धमनी शैथिल्यम इज आल्सो एक्सप्लेन इन अवर आयुर्वेदिक टेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी गो टू द एलोपैथिक और मॉडर्न व्यू ऑफ दिस डीप फैसिया वी कैन सी दैट द डिसफंक्शन इन्वॉल्विंग अल्टरेशन इन द मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस मायोफेसियल पेन एंड क्रैम्प्स are more related to deep fascia. Means if deep fascia is hampered or the function of due to any of the reason, then it may give to some such type of pathologies in our body. So this kala or deep fascia or mansdhara kala is having the certain role it's in our body and it supports our body. Coming to the next kala, raktadhara kala. Dvitiya raktadhara nama mansasya abhyantarata tasya shonitam visheshatasyu shirasu ekrutlihosya bhavati. This kala, we know it is said that it is present in the mansa and shonit, apart from that, ekrut and pliha. Yes, mans ke abhyantar hoti hai aur uske saath mein ekrutliha mein bhi hoti hai. So, रक्तधारा कला व्हेन वी कंपेयर इट इज कंपेरेबल विद द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड साइनसिस इन द लिवर एंड द स्प्लीन एंड दिस एंडोथेलियम सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग आउटर लेयर्स बाय द बेसल लैमिना वी कैन सी बेसल लैमिना इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस बेसल लैमिना एंड व्हेन वी कम टू द लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर ऑफ दिस एंडोथेलियल सेल्स The wall consists of endothelial cells and the basal lamina together with a few scattered functionally important pericytes. And endothelium is now recognized as a complex endocrine organ. It is not only the limiting or it is interface between the blood and the vessel wall, but it is having a certain role apart from only this limitation or interface. This endothelium is now recognized as a complex endocrine organ which is responsible for variety of physiological process and which are vital for color. It may include the regulation of vascular tone, luminal diameter and blood flow, hemostasis, thrombolysis, platelet and leukocyte vessel wall interaction, the regulation of vascular permeability and tissue growth and the remodeling. Such a role is seen in case of this endothelium which is present and we can correlate this raktadhara kala with this endothelial lining. And coming to the applied part of this raktadhara kala, prana shonitam henu vartate means this shonit or blood is related with the prana and this prana is described as a jivan of our body. Then pranavah strotas mahastrotas marma. And when we come to the chikitsa of this prana or rakta, this rakta pitta hari kriya, rakta mokshan and virechan, these are the main treatments which are described in context of the rakta dhatu or rakta, and these are ultimately related with the rakta dhara kala. And drug indications may be this rakta pachak, swarnamakshik, arogyavani, these are the thing that we can think of about this raktadhara kala. Then main role of this endothelial disease means if this raktakara is correlated with the endothelial linings of the blood capillaries, then if the alteration or if deformity, any type of deformity in these endothelial cells or vasculature is takes place, then it may give to such type of deformities means peripheral vascular disease, stroke, heart disease, diabetes, insulin resistance, chronic kidney failure, tumor growth, metastasis, venous thrombosis, severe viral infection disease, infectious disease. Means it may be takes place due to only because of alteration in the endothelial cells. Means this is the role of this endothelial cells or this raktadhara kala in our body. Now third kala is the medodhara kala. Tritiya medodhara nama medohi sarva bhuta namudarastham anvastasicha mahatsucha mancha
bhavati, we know this sutra, means Medha is present in the abdomen of the all animals as well as in the anuvasti. And in case of the anuvasti, Shushruta has clarified rakta medha. It means that udar or abdomen is the prime location of the medhudhara kala. These are the other quotations related to medhudhara kala. There is some ambiguity related to medhudhara kala, so I have put this slide. That is when we come to the sequence of this description of kala, we can see that these are not correlated with the sequence of the dhatu formations, and by this we can interpret that these kalas, means masdhara, raktadhara, medhadhara, are described from superficial to the deeper parts of the body. Now when come to the this applied portion of this medha, because in case of the Ayurveda, the role of medha is related to snehan only, okay, trinanam jivanam lepo sneho dharana purne. So the role of medha is related to snehan of our body. But apart from, when we come to the modern literature, we can see that there is varied role of this medha or adipose tissue in the body, and adipose tissue is located in many regions at many forms in body, means subcutaneous fat, visceral fat, marrow fat, muscular, and in this, among this fats, it is adipose depots in different parts of the body have different biochemical profiles, means they are similar, there are differences in case of the adipose tissue also. But under normal conditions, it provides feedback for hunger and diet to the brains. I mean, this is the role of adipose tissue in our body. Then visceral fat, because adipose tissue is having many forms, but as it is said that Bhutana Mudrastas, means Medhodhara Kala is described in relation to udar only. So we are taking the example of visceral fat, because visceral fat is located inside the abdominal cavity, which is packed between the organs. And this visceral fat is different from the subcutaneous and intramuscular fat. It is having the certain different from the other fats which are present in our the body. And the main thing is that fat present in the abdomen is mostly semi-fluid also. And these are the depots of the visceral adipose tissue, mesenteric, ependymal, perirenal, and omental. These are the certain depots which are found up event. Then what is the importance of this visceral fat in our body? It carries the more blood flow, more receptors for the hormones. Around 5 to 6 hormones are produced by this visceral fat or adipose tissue. Then visceral fat cells are also more biologically active. Then also produces another substances, means cytokine. Whatever we in corona period know about this cytokine storm also, this cytokine is related with this medha. Then association of visceral fat and higher levels of the total cholesterol. This is again also seen many times. The person, outer appearance of the person is thin, slim, trim. But when we go to the blood test, we can see the higher level of cholesterol or triglycerides, because this is only because of presence of this visceral fat in his body. And visceral fat is a complex organ, and it is having the many roles. That it acts as an endocrine, and it is also related with the immune system of the body. Means it is not only related with the snehan karma, but this adipose tissue or visceral fat is a very, very important related to this. Then adipocytes respond to the bacterial and the viral antigens also. So in short, I want to say that this visceral fat, which is one of the component of the adipose tissue and present in the abdominal, it may be correlated with this medhudhara kala, because it is very active and having certain functions in the body. And as we know, these kalas are not only the membranes, but they are perform certain functions in our body. One of the site of this say, and in case of these
they are the small giants, we know that water of the disease is takes place where the serum uric acid levels are increased, and mostly shunti, guduchi, kutki, esti, such type of herbs, dipan, pachan medicine is very useful in such type of disease. So we can think of such type of applied anatomy related to this medullary kala. Kala having certain different functions bodies, we see in the classification, that is dharan, absorption, secretion, selectivity. So when we come to the salamin, it is performing its physiological function, then it will be helping for the body. But whenever some type of pathology or malfunction will be takes place, then definitely the pathology will be takes place. And so remain keeping in this mind such a phenomenon or assumption or hypothesis, we can say that this kala can also be the site of pathology. And when this pathology, how this pathology may be converted into diseases, that we see in the this description of kala. Now Shleshmadhara kala is the fourth kala, and स्नेहा भेक्ते यता हेक्से चक्रम साधु प्रवर्तन्ते संदया साधु वर्तन्ते संश्लिष्टा श्लेष्मनास्तता. मीन्स श्लेष्मा हेल्प्स और श्लेष्मधरा कला फैसिलिटेट द जॉइंट मूवमेंट. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस श्लेष्मा और श्लेष्मधरा कला? इज साउंड, फ्रिक्शन, हीट, definitely such type of थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा सर अभी. हेलो डॉक्टर, नमस्कार डॉक्टर. थोड़ा सा साउंड अभी डिस्कनेक्ट हो गई आपकी, आप या तो हेलो सचिन जी, कैन यू लिसन मी? हेलो Dr. Sachin has left.
डॉक्टर सचिन इज नॉट ऑडिबल. यस सर, एक टेक्निकल इशू से वो हुआ था अभी. ओके ओके सर. ओके ओके सर. हाँ आवाज आ रही सर सचिन जी? आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज. ठीक है सर, ठीक है. आपका स्क्रीन शेयर कर. आपका स्क्रीन शेयर. ओके. अभी दिख रहा है सर स्क्रीन? सर शेयर हो गई स्क्रीन? हाँ हाँ हो गई, हो गई सर. दिख रहा है ना? हाँ हाँ हो गई, हो गई. ओके सर. सो दिस श्लेष्मा फैसिलिटेड दिस जॉइंट मूवमेंट एंड दिस अवॉइड साउंड फ्रिक्शन हीट एंड डीजनरेशन आर प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स. नाउ coming to this applied aspect related to this kala, janu basti we mostly perform in case of the patients of the osteo, then we can say that, or it may be assumed that it may be helpful for the function of the shleshmadhara kala. Another pathology which is seen here is the synovitis, arthritis as well as the lupus, gout and RA. In case of this disease we can say there is the synovitis also. Pathology may be of the kshay or ruddhi, atrophy or hypertrophy, means the ati pravruti or sangha. Such type of pathology may be take place in case of the synovial membrane, and if this because of this many times we have seen that accumulation of synovial fluid is there. If the synovial fluid is less, then there will be the degenerative changes may be takes place. So such type of pathology we can think in case of this shleshmadhara kala. Then what is the role of shleshmadhara kala? That is the sarva sandhishu pran bhutam bhavati, means it helps to hold the joints in a proper way, or it is roles play the role of sandhan. Is sandhan karne ka hai usko tightly properly pakadne ka भी काम ये श्लेष्मधरा कला का है. तो इसमें वी कैन से दैट संधानीय गन विच इज एक्सप्लेन इन अवर चरक संहिता. सो सच टाइप ऑफ मेडिसिन मे बी यूज इन द जॉइंट रिलेटेड डिसीडेस, एंड इफ इट दीज आर बेनिफिशियल फॉर दिस श्लेष्मधरा कला, देन दे विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर द जॉइंट ऑल्सो. सो वी कैन थिंक ऑफ सच टाइप ऑफ applied aspect related to this Shleshmadhara kala. Then Gandhatala is again described in Bhagna Chikitsa, but Rogadhikar of this is very wide, that is Sarva Vata Vikara Nruta. Aisa bola hai, means it is useful in most of the arthritic disorders. So we can say that it may be used in case of the joints and associated disorders. So definitely it will be helpful for the treatment related to this Shleshmadhara kala. Next kala is the Purishadhara kala. Panchami Purishadhara nama yanta koshte malam abhivibhajate pakvashayastha, means main role is the separation of the fecal refuse is the main function of this Purishadhara kala. And when we compare this Purishadhara kala with this large intestine, when we can say that structure of this large intestine is adapted for the storage of the matter reaching it from the small intestine, and epithelium is absorptive, columnar but villi are absent. So this Purishadhara kala can be compared with this large intestine. And what is the role of this colon of this kala, or membrane of this kala? This lubrication of the feces by the mucus,
absorption of the water salts and other salts. See, role given with the, it is given that malam abhivibhajate is separate the sari and kittapu, and we can see that water salts and other solutes are absorbed more abundantly in case of this large intestine. So this is comparable with this Purishdhara Kala. Apart from this malabhibhajan property, it also helps bacterial flora of the colon synthesizes the vitamin B. Then antibodies of the IgA group are also rich, and it also protect it from the invasion of the microorganisms, and microvilli serve as a sensory functions, means there is a wide role of these membranes in our body. And let us assume if there is this, these are the functions of this kala or membrane, and if these functions are hampered or not properly takes place, then in such condition what may happen? Failure to perform this function, constipation may be, chronic diarrhea may be there, colitis may be there, IBS, irritable bowel syndrome, Crohn's disease, inflammatory body. Such type of pathologies may be seen in case of the this Purishadhara Kala when these functions are not properly performed by mean any of the reason. Then according to Ayurveda, the place of Mutra Utpati is said that Pakvashaya. So Purishadhara Kala may be included as a Purish and Mutra, Mala Vruddhaya Pravartante, means whenever Mala Sanchiti type of Roga will be there, just like the Udar, Kushta, Kidney Failure, Kumi Roga. In such cases also, if Maladhara Kala का काम क्या है कि उसको मल सार किट विभाजन करना, और ये काम अगर ठीक से नहीं होता है तो उसके कारण से ये कुछ डिसीजेस भी हो सकती है, एंड इनके हिसाब से डिसीजेस वी कैन एडवाइस सर्टन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. देन अनदर क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस पुरुषधरा कला, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एव कला पुरुषधरा अस्थि धरेती पंचमी. इस पाँचवीं जो कला है पुरुषधरा कला, उसी को अस्थिधरा कला भी बताए, जो कल्पस्थान में विषभेगो का वर्णन किया है वहाँ पर इसका वर्णन हमें मिलता है. एंड देर आर सो मेनी आर्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, फ्यू ऑफ देम आई हैव कोटेड हियर. दे शोड दैट वेन एवर देयर इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, दे आर डेफिनेटली रिलेटेड विद द ऑस्टियोपोरोसिस और द बोन डैमेज इन अवर द बॉडी. सो the correlation of this Purishadhara Kala and the Astidhara Kala, we can correlate it with these evidences. The role of this Asti and Puri in our body is Astini Deha Dharana Majja Pushti Cha Kurvanti. Role of Asti in erect posture, it is the main role of the Asti. And mala is also like that is vida balam hi tasya balam. It is in case of the rajyakshma, means purish ka jo role hai hamare body mein wo waise hi hai ki ek sharir ko dharan karne ka kaam wo karta hai. To dono mein ek samanta hame dekhne ko milti hai purish aur asti mein. And one quotation of Vagbhat, he has mentioned jat jantan shir ghrute stiktar sayuter bastibhis tataha, means in case of the degenerative diseases in case of the asti, if there are the degenerative related to asti, then the dud, ghrita and basti process with the tikta dravya should be given in case of the asti kshaya. अस्थि क्षय इनको देना चाहिए. ये बहुत ही अच्छा ये है कि आपने देखा होगा वेन एवर देयर इज द ऑस्टियोपोरोसिस आर डिजनरेट चेंजेस इन द बॉडी, एट दैट टाइम वी यूज द पंच तिक्त क्षीर बस्ति, एंड इट इज अ वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस. वी कैन ऐड इन केस ऑफ दिस पुरुषधरा एंड अस्थिधरा कला इन दिस कंटेक्स्ट. देन वात रक्त वी नो दैट इज एंड आम वात, दीज आर सर्टन diseases. In this disease we use the grahi medicine. Next kala is the pitta dhara kala. Pitta
धरा कला स्थित धाला धरा नाम या चतुर्विध मन्नपान उपवक्तुम आमाशयात प्रसिद्धम धारयति। और लास्ट में लिखा है कि स्टेटेड दैट इट इज द पक्व आमाशय मध्यस्था मीन्स पित्त धरा कला इज प्रेजेंट इन इन बिटवीन द आमाशय एंड द पक्वाशय एंड व्हेन वी कंसिडर स्टमक और द पार्ट ऑफ द स्टमक एज ए आमाशय एंड द पक्वाशय एज ए लार्ज इंटेस्टाइन तो इन बिटवीन दिस आमाशय एंड पक्वाशय देर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी टेकन एज ए पित्त धरा कला बिकॉज अग्नि इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रहणी एंड ग्रहणी इज द हार्बनेज ऑफ द अग्नि एंड दुष्टि ऑफ द अग्नि कॉजेज दुष्टि ऑफ द ग्रहणी पित्त धरा कला होल्ड्स द फूड एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन विथ द एड ऑफ द पित्त रूपी अग्नि मीन्स देयर इज द कोरिलेशन ऑफ दिस डिओडिनम वी कोरिलेट एक्चुअली ग्रहणी विथ द डिओडिनम बट डिओडिनम अपार्ट फ्रॉम होल स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी टेकन एज अ पित्त धरा कला बिकॉज द रोल ऑफ पित्त धरा कला इज तज्जीरियति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसा मीन्स द होल डाइजेशन पार्ट ऑफ दिस इंजेस्टेड फूड इट टेक्स प्लेस हियर सो स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी correlated with this in case of pitta dhara kala it is said that bhoj panchabhut agni and sapta dhatva agni all these factors depend upon the grahani grahani means if we consider grahani or small intestine as a pitta dhara kala so in context of grahani it is mentioned that this life health virya vaj all the most of the factors of the body are depend upon this grahani and in case of the disorders of the agni causes the abnormality of the grahani and which leads to the generation of the many diseases means these all the things are interrelated with the each others and structure of this small intestine is adapted for digestion and absorption as I already told that the small intestine structure is mostly related with the digestion and absorption and in case of Ayurveda it is also similarly mentioned that yatha kalam shoshitam tajiryati yatha kalam shoshitam pitta tejasa so correlation of these structures can be done and whenever the deformity in this kala or the membrane will be takes place then the pathology like the grahani ulcer such as peptic ulcer IBS Crohn disease celiac disease may be takes place if there is the default or there is the malfunction of the this kala then such type of diseases may be takes place then pitta dhara kala is also known as the majja dhara kala we know that this is also another quotation related to this then enteric nervous system is a part of autonomous nervous system and we know that 95% of the body's serotonin is made up in the bowel and serotonin being a key neurotransmitter in the regulation of the mood appetite and sleep and gut contains the second brain around 200 to 600 million neurons in ENS which are similar to the number of neurons in the spinal cord means such type of nervous involvement is takes place in case of this guts or the small intestine so this small intestine what is correlated as a pitta dhara kala saiva majja dhara kala this is the modern anatomical evidence by which we can say that this pitta dhara kala is also can be said as the majja dhara kala because these are having a case also related with the neurodevelopment and if there are some fault in that microbiota that may also contribute to neurological disorders means the correlation of this small intestine and the neurological disorders is proven in case of the modern anatomy then brain gut axis links the emotional and cognitive centers of the brain with the peripheral intestinal functions yeah that is also we can see in case of the disease related to majja va srotas for example the pakshavada
in treatment part of this pakshavada pakshaghatetu virechanam it is said that pakshaghatetu virechanam and in case of pakshaghat apart from vathar chikitsa we want to advise the pitta rakta prasadak treatment is also given to the patient of the pakshaghat to recover from this means from all these evidences we can say that this pitta dharakala which is said in our ayurveda text that can be correlated that can be said also the majja dharakala then shukra dharakala last kala is the shukra dharakala we know ya sarva sharir vyapini aisa usko drushtant diya hai ki yatha sarpi payasi gudascha ikshu ase ऐसे सब उन्होंने आचार्य श्रीश्रुत ने बताया है लेकिन शुक्र का जो स्थानिक एक्सक्रीशन है उसको ध्यान में रख के भी इन्होंने ये श्लोक लिखा है कि द्वैंगुले दक्षिणे पार्श्वे बस्तीदारस्य चाप्यदा इज एक्सक्रीटेड अंडर द एक्सिलरेशन आफ्टर द एक्साइटमेंट एंड वंस स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस एंड एक्युमुलेट हेलो डॉक्टर साहब एक और वापस हट गया आपका साउंड नहीं आ रही हेलो हेलो क्या कर रहे हो हेलो आवाज आ रही है सर हेलो डॉक्टर सचिन आवाज आ रही है हाँ डॉक्टर सचिन आवाज आ रही है हाँ सर आपकी आ रही है हाँ ठीक म्यूट हो गया मेरी आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है ना अभी आ रही है ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है कंटिन्यू कर हाँ कंटिन्यू करें सर आपके हाँ कर रहा हूँ स्क्रीन आपकी आ रही है नहीं दिखा अच्छा स्क्रीन आ रही है हाँ स्क्रीन आ रही है कि क्या आ रही है लेश में थोड़ा कराल दिखाई दे रहा है लेश ओके नहीं दिख रहा है चलो एक समस्या थोड़ा खत्म करना ही भारी पड़ गया सर सर स्क्रीन दिख रही है सर स्क्रीन दिख रही है सर
दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है, आप कंटिन्यू करें सर। हाँ विजिबल है सर। ओके सो दिस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर द जनरेटर ऑफ दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड विद दिस शुक्रधरा कला। Then this vasa differentia connecting the left and right epididymis with the seminal vesicles to form the ejaculatory duct means these structures, vasa differentia, seminal vesicles, ejaculatory duct and the seminiferous tubules, all these can be considered as the shukradhara kala because they are having the certain roles. Because when we come to the functions of the seminal vesicles, this ejaculatory duct delivers the sperm into the urethra, adding secretions and additives from the prostate necessary for the sperm function, while providing an interface between the reproductive and urinary system in the men. Because this role is very important, so that the spermatozoa should not get damaged. So this medium or this journey or this passage is very very crucial for the sperms to reach to the their destination. Then 70 to 85% seminal fluids is originate from the seminal vesicles. This also contains the nutrients like the fructose, citric acid, prostaglandins. And what is the role of these nutrients? Support the sperm till the fertilization, because this is also important. The sperm can live up to the 72 hours with the help of these nutrients, because it have to travel from all the reproductive passage of female and go to the fertilization for the ampullary part of the fallopian tube. So for that the nutritional requirement is also there, and this nutritional requirement of spermatozoa is also fulfilled by this fluid. And this prostaglandin, role of prostaglandin, is causing the female reproductive tract parts. See, this is very very important, I think, because many times we have seen that the parameters of the sperm count is normal, ovulation is normal, but many times there is not the conception process takes place. So for the conception process, one of the necessary thing is that the causes reverse contraction of the female reproductive mass. The contraction should be takes place so that this sperm can be easily reached to the their destination. So this is again also the main important role of these prostaglandins, which is seen in case of this role of seminal vesicles. Then if in case of this function hampers, seminal vesiculitis is there, in that case what may happens, it can cause the pain in the lower abdomen, scrotum, penis and peritoneum, painful ejaculation and blood in the semen. Such type of, if we see pathology in case of the male partner, then we can say that definitely there is a chance of the seminal vesiculitis, because there is the major role of seminal vesicles to perform or in the process of fertilization. Then diseases related to this membrane can be seen, that seminal vesiculitis, tuberculosis, schistosomiasis and hydatid disease. So this type of disease can be included in the diseases related to Shukradhara Kala. So in short, we have to study this Kala in Ayurvedic perspective, keeping in the mind the what is the description found in the available text of our Ayurveda, that we have to correlate this with the modern anatomical structures, and by the combination of both the
the sciences means Ayurveda and allopathic sciences, we have to think the clinical aspect of this all the kalas. One thing I want to add here is this kala can be think of the treatment side, means at many times we have seen that some physicians do the panchabhautik chikitsa, some do the tridosha chikitsa. Similarly, many only treat by the nasya only, many diseases are treated by the ratta mokshan only. So if we are the scholars of the sharir, then we should also think that this kala are not only the limiting membranes, but they perform the certain functions in our body. So this can be the site of pathology, and considering the site of pathology, this can be treated as a therapeutic aspect, or this can be considered as a treatment site. For example, we have when I was in MG Ayurved College, Vardha, that time we have initiated such type of studies, that is Raktadhara Kala. We have worked atherosclerosis is a disease associated with the artery, and in this case we have studied that study of the anti-lipolytic and anti-inflammatory effect of Rakta Prasadandravya in albino rat with reference to Raktadhara Kala. Means we have already studied the role of Raktadhara Kala, and we have correlated this with the endothelial linings of the blood vessels, and role of blood vessels is very endothelial lining is very crucial. If it is hampered, then many type of disease may be occur. And considering this modern literature, we have think of such type of research project in our department, and we have done such type of work there. Then importance of the kala, Sushrut in Sushrut Samhita chapter 4th of Kalpastana, kalas have related with the Vishvavegas. Most of we know that 7 Vishvavegas are there. Then they have also mentioned this Vishvavegas of this all kalas. We have already studied this Aiva Kala Purish Dhara Saivasti Dharati. Then Pitta Dhara is also known as the Majja Dhara Kala. ये सब हमने देखे हैं, तो ये सब क्लिनिकल पर्सपेक्टिव इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस प्रयास में हम सफल होंगे. ये मेरा एक प्रयास था कि अपनी तरफ से कला के बारे में ये कैसी सोच रखकर कला इस विषय को हम कितनी गहराई से सोचकर उसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं. ये मेरी कोशिश है, मेरे जैसे ही सभी लोग आप लोग जाएंगे इस विषय में तो डेफिनेट कला ये जो पार्ट है एक शरीर या एक रचनात्मक पार्ट नहीं रहते हुए एक क्रियात्मक पैथोलॉजिकल और चिकित्सात्मक पार्ट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है. तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक मैसेज में कि कला आर द इंटरनल कवरिंग ऑफ द बॉडी लाइक द अदर ऑर्गन ऑफ ऑर्गन्स, देन दीज आर द थीन इंटरफेस बिटवीन धातु एंड आशया. Each kala performs certain role in the body physiology, and kalas are susceptible for the pathology depend upon the type of kala. Means jis tarah ki kala hai us kala mein agar function mein uski gadbad ho jati hai to us tarah ki pathology us kala mein dekhne ko mil sakti hai. Aur kala can be considered as a treatment site jo abhi maine aapko highlight kiya tha. Aur understanding of the kala in context of Vishvavega is important to treat the present day's disease caused by the toxins instituted in the body through the diet. देखिए आज का जो हमारा डाइट है, लाइफ स्टाइल है, इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जा ही रहे हैं. तो कला का विश्ववेगा के कंटेक्स्ट में भी मुझे लगभग पढ़नी चाहिए ताकि हम उसके आधार पर चिकित्सीय दृष्टिकोण का विचार कर सके. तो यही सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. मुझे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पुर के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला है, तो सभी आयोजकों का, खासकर हमारे मित्र राकेश जी का मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. और ये मेरे वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ. अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप
पूछ सकते हैं। राकेश जी धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। वी आर वेरी मच बेनिफिटेड योर बाय योर वास्ट नॉलेज, योर वास्ट अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ सप्त कलास। यू हैव योर ओन कंसेप्शन in terms of Kala Shari, and I think you have covered this subject, because as far as Ayurveda is concerned, we know very well that we are having some specific distinctions in our Ayurveda, like Kala Shariram, like Srotas, like Marma. All these are the specificities of Ayurveda. And we need to understand all the, as scholars of Ayurveda, Rachana Sharir, we need to understand all these terms perfectly, so that we can convey the applied status of this knowledge to our coming generation, to make our knowledge upgraded. In such conditions, sharing the knowledge, because you may be having some view regarding Kala, I may be having some view regarding Kala, and somebody else may be having a different review regarding Kala. So if we are not sharing our views with each other, then we would not be able to extend the knowledge. So in such conditions, it is quite necessary that we share our views. And I thank you, sir, that you have given, spared some time for sharing your views in this regard. Now, I request the audience, if they are having any queries, they can pose their questions before Professor Sachin Kedikar, sir, to be clarified. Any audience who wants to clear their views. Any of the audience? I think so far we are not having any question. Anybody of you, if you are having questions in your mind, you can put these questions to either to Professor Kedikar sir directly, or you contact him directly, or you can send it to me. You can WhatsApp me, you can send it by mail, you can contact me, phone me. And these may be rectified as and when we would be receiving your queries. So now I would like to call upon our collaborative partner, Department of Rachana Shari, Professor Mahendra Sharma ji, to please say your concluding remarks regarding this lecture as well as this series. नमस्कार। परम श्रद्धेय थत्ते सर की पुण्य स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला के सफल आयोजन हेतु मैं कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। थत्ते सर हमारे लिए ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके प्रमाणिक लेखन कार्य से हमारे सामने एक अमूल्य निधि हमको छोड़ के गए। हमारा आज भी समाचार के भाव से आयोजित ये पाक्षिक वेबिनार कार्यक्रम जो 1 मई से और आज से 23 जुलाई को पूर्ण हो रहा है, सभी विद्वानों के जो व्याख्यान थे बहुत ही शास्त्रीय प्रामाणिकता के आधार पर रखे गए और हम सबके लिए वो बहुत लाभकारी रहे। इस कार्यक्रम को अधिक रोचक और बहुत ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इस कार्यक्रम के बीच में निरंतर अखर अवस्थी जी बीएचयू से हैं और डॉक्टर सचिन शर्मा कुरुक्षेत्र से, जितेंद्र जी उदयपुर से आदि सभी लोग इसमें जुड़े रहे और सभी का हम लोग जो है उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर इंदुरा सर जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर का भी निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है इस प्रकार के आयोजन के लिए। साथ ही मैं
इस कार्यक्रम के संपूर्ण सफल आयोजन के लिए राकेश जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रखा, और इसके लाइव प्रसारण के लिए मैं आईटी प्रभारी हमारे हरीश जी को भी धन्यवाद दूं। हरीश जी ने भी इसको बहुत ढंग से टेलीकास्ट किया। इस कार्यक्रम जुड़े सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे साथियों के लिए, हमारे अध्येताओं के लिए एक जो है बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा और लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेहन जी। एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी, जी जी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस 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 यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत ही हमारा एक लंबा स्पैन गुजरा है, पिछले 3 महीने से हम लोग जो है इस व्याख्यान माला को आयोजित कर रहे थे, और प्रयास रहा हम अच्छे व्याख्यान आयोजित कर सकें, प्रयास रहा हम जो है देश भर से जो हमारे पास जो उपलब्ध जो विद्वान हैं उनको हम एंगेज कर सकें। हालांकि बहुत विद्वान हैं, सभी को एंगेज कर पाना संभव नहीं है, पर दिस इज़ नॉट द एंड, ये चलता रहेगा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम में आगे फिर से कोई ना कोई हम गतिविधि लेंगे। आज अगर ये यहाँ पे हम इसको जो है एक एक टेम्पररी जो है एक तरीके से हम विराम लगा रहे हैं, तो ये आगे हम दूसरी सीरीज शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के सजेशन, आप लोगों का फीडबैक वो हमें मिलता रहे, हम और इसको अच्छे से अच्छे कैसे कर सकें, मैं इसके लिए जो है आप सबका जो है इंतज़ार रहेगा, आपके वचनों का। मैं इस अवसर पर अवंत में मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा हमारे माननीय कुलपति महोदय का, कि वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, तो कुछ इसी प्रकार की एक्टिविटी करते रहें। अभी जैसे पिछले कुछ दिन, 2 दिन पहले ही हम मिले थे, तो उन्होंने कहा था चलिए ये सीरीज ख़त्म हो दीजिए, तो कोई नेक्स्ट सीरीज शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मोटो यही है कि नॉलेज का अपग्रेडेशन होता रहे। और उसके बाद में मैं हमारा जो आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर गोविंद साहिब शुक्ला जी का, वो लगातार मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में, हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा अभी आज हमारे बीच में प्रोफेसर गौरीशंकर इंदौरिया जी, जो हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व डीन रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जो कॉन्स्टेंट कॉलेज मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर के प्रिंसिपल रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने अपना समय हमको दिया है। मैं हमारे बीच में अशोक शर्मा जी हैं अहमदाबाद से, हमारे बीच में प्रोफेसर नीलेश कोडे जी हैं, प्रोफेसर सरोज पाटिल जी एंड प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मदन मोहन झा झांसी, प्रोफेसर अलेख महंती, प्रोफेसर श्याम सुंदर गुप्ता पटना से, प्रोफेसर अभिजीत पाटिल जी भोपाल से, प्रोफेसर के एन सिंह जी BHU से, डॉक्टर शिवराम शर्मा हमारे आयुर्वेद कॉलेज जोधपुर से, डॉक्टर हरीश सिंगल जी हमारे IT सपोर्ट आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से, डॉक्टर अविनाश बवेरवाल, प्रोफेसर कविता खोंट, प्रोफेसर अलका त्यागी, डॉक्टर नम्रता तिवारी रायपुर से, डॉक्टर टीना सिंघल BHU से, प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी बनारस से, संपूर्णानंद कॉलेज से, प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी SCPM कॉलेज गोंडा से, प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी आयुर्वेद कॉलेज झालावाड़ से, और प्रोफेसर HH अवस्थी जी BHU से, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हो सकता है मैं उनके नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, उनको मैं दुगो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, उन सभी फैकल्टीज का, उन सभी विद्वानों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो भी दर्शक, जो भी छात्र, जो भी फ्रेटर्निटी जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, जिन्हें जुड़े रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमारा इतना समय स्पेयर किया है हमारे इस कार्यक्रम के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे IT सपोर्ट डॉक्टर अजी सिंगल और उनकी पूरी टीम, कपिल है, महेंद्र हैं, इन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनका लगातार जो है इस कार्यक्रम में IT के रूप में हमको सपोर्ट मिलता रहता, ताकि हमारा कार्यक्रम निर्बाध चलता रहे। आज हालांकि उनके हाथ में जो शुरुआती दिक्कत है, उनके हाथ में भी नहीं था, लाइट की प्रॉब्लम रही, लेकिन फिर भी कोशिश ये रही कि हमारा एक प्रयास रहा कि हम कार्यक्रम को कर सकें।
तो अब इसके बाद में मैं हम जो ये तो कार्यक्रम उसके अतिरिक्त हो गया है, इसके अतिरिक्त आप जो कि हम सब बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं आज देख रहा हूँ फतेह साहब की स्मृति में हम लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो व्याख्यान के पक्ष को अब जो है छोड़ते हुए मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन जो हमारे इतने विद्वान जुड़े हैं वो फतेह साहब की स्मृति में उनकी श्रद्धा है, उस उनके हमारी एक पूरी एक जो है जो उनकी प्यूपल्स की श्रृंखला है वो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ क्रमशः जो उपस्थित हैं कि वो अपने जो उद्गार जो हैं सत्य जी के संबंध में वो संक्षिप्त रूप से कहें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। तो मैं मेरा आग्रह रहेगा सबसे पहले हमारे साथ में जुड़े हुए प्रोफेसर गौरीशंकर इंदौरिया जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो हमें इस अवसर पर अपने उद्गारों से लाभान्वित करें। प्रोफेसर गौरीशंकर इंदौरिया जी, धन्यवाद। डॉक्टर राकेश जी, सर प्रोफेसर महेंद्र जी, प्रोफेसर शुक्ला जी, बीएचयू के विद्वान प्रोफेसर के एन सिंह अवस्थी जी, प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी, डॉक्टर निधि और भी शरीर के बड़े बड़े विद्वान आज दर्शन करने को मिल रहे हैं मुझे। और सत्य साहब की स्मृति में ये जो कार्यक्रम आपने चला रखा है राकेश और निधि ने, मैं सबसे पहले तो इनका साधुवाद करता हूँ कि एक शरीरविद के लिए आप लोगों का इतना समर्पण भाव, ये ऐसा मैंने किसी दूसरे विषय में नहीं देखा। कि एक मैं बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ कि शरीर रचना एक ऐसा विषय है जिसकी एक राष्ट्रीय स्तर की एक समिति गठित है और वो वर्ष में कई इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। बड़े बड़े विषय हैं, दूसरे विषय बहुत हैं, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम मैंने नहीं देखा और मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये डॉक्टर राकेश और डॉक्टर निधि का जो इस कार्यक्रम के प्रति भावना है, संलग्नता है, ये वास्तव में इनके अनुकरणीय है पीछे वाली पीढ़ी के लिए। सत्य साहब के विषय में मैं दो शब्द कहूँगा। सत्य साहब से मेरा संबंध रहा है, विभिन्न स्थानों पर हमने परीक्षाएं साथ साथ ली है। सत्य साहब वास्तव में आयुर्वेदीय एवं आधुनिक शरीर के परम विद्वान थे और मैं समझता हूँ सत्य साहब जैसा विद्वान आगे हमें देखने को नहीं मिल पाए। हालांकि अवस्थी जी, के एन सिंह जी, राकेश शर्मा और ये निधि, ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्य साहब के जो मार्ग पर हम लोग चल पाएंगे, उन्होंने जो शरीर के लिए जो कार्य किया, मैं समझता हूँ कि उनकी अलग को कोई पार नहीं पा सकता। काफ़ी अच्छा कार्य था और मैं उनको इस अवसर पर हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में हमेशा स्मरण करता रहता हूँ। इन्हीं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, मैं आपके शब्दों के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी व्यस्त दिनचर्या रहती है। इसके बाद में मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में मौजूद हैं संपूर्णानंद संस्कृत आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। प्रोफेसर नीलम शर्मा जी, नीलम गुप्ता जी। थैंक यू डॉक्टर। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय, मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, डॉक्टर गौरीशंकर इंदौरिया जी, डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर निधि, डॉक्टर के एन सिंह, डॉक्टर अवस्थी जी, और स्क्रीन पे मेरे बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। मैं सभी सम्माननीय शरीर के सभी पुरधन्य विद्वानों को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राकेश को और उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर निधि, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो शरीर के क्षेत्र में बहुत आगे से आगे बढ़ करके ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये कार्यक्रम होते ही फट्टे सर की याद आ जाती है। साल में दो बार सर कार्यक्रम करते थे जिसमें हम सब लोग मिलते थे। अब बहुत दिन हो गया, इस समय बहुत दिनों बाद सबके दर्शन हो रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर राकेश की कि उन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को रूबरू होने के लिए। और मेरा बहुत मन करता है
हालांकि मैं अब इस पोस्ट पर आ गई हूँ तो थोड़ा एकेडमिक दूर हो गई हूँ, लेकिन मेरा मन वही लगता है रचना शारीर के कार्यक्रम में। मैं चाह करके भी आपके लेक्चर नहीं सुन पाती थी, अभी आपने दोबारा मैसेज किया तो मैंने बीच में ज्वाइन किया। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं मुझे दूसरी तरह की जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक ही हमेशा रहता है, जिसके लिए मैंने ये सर्विस ज्वाइन करी थी। और इस तरीके के कार्यक्रम करते रहिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटे छोटे टॉपिक, उसमें कभी मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया करिए, उस बहाने मैं एक लेक्चर तैयार कर लूंगी अपने आउट ऑफ द वे जाकर के। और सबको बहुत बहुत बधाई। और थट्टे सर की याद तो हमेशा, वो तो हमें कभी नहीं भूल सकती। थट्टे सर मेरे डायरेक्ट गुरु नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से हूँ। और शरीर में बुक लिखने की, चैप्टर लिखने की या पेपर पब्लिकेशन की, वो ये बार बार हमसे कहते थे कि प्रिंसिपल ही से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने सब्जेक्ट में अपना नाम करना है, अपने विषय में आप अपने आप को पारंगत करिए। तुमने कहा सर जिम्मेदारी मिल गई है तो उसे निभाना पड़ रहा है, लेकिन सचमुच आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रचना शारीर के इस तरीके के कार्यक्रम डॉक्टर साहब करते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरी जो भी अगर कुछ हेल्प की आवश्यकता है, मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों के लिए। और एक बार फिर थट्टे सर को नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर राकेश। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम आपको एंगेज करना चाहते थे, पर आपका रेगुलर हम पोस्ट देखते रहते हैं स्टारवर्ड्स के ऊपर, तो आपकी व्यस्तता बहुत रहती है, मैंने इसको कई बार नोटिस किया है। तो मैंने कहा इसलिए अभी फिलहाल हमने आपको, बाकी तो अवसर तो बहुत रहेंगे बस इसलिए, क्योंकि इन दिनों में मैंने देखा आप बहुत लगातार बहुत ज्यादा व्यस्त रहे, तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा तो वो व्यस्त अंगेज तो हो जाएंगे, पर उनके फिर नेचुरली जो उनकी ड्यूटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं वो उनको व्यवधान भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं किया कि अगर आप कहेंगे तो ये तो कार्यक्रम तो चलता रहेगा, तो कहाँ थे का तो व्याख्यान ऑनलाइन, बिल्कुल ये थत्ते साहब के ऑनलाइन हो रहा है, चाहे बाद में आप उनके नाम से नहीं करके अकेले भी करेंगे तो भी उनके नाम से ही होंगे, हम सब उनसे जुड़े हुए हैं तो भी उनसे ही जुड़े होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर नीलेश कोडे जी, आपका व्याख्यान भी रहा था इसमें, मैं आपको जो है आपके उद्गार इस अवसर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, प्लीज शेयर योर व्यूज। थैंक यू। Thank you, Dr. Rakesh, for first of all inviting me over and involving me in this activity. This has been, if you see and note that I have attended almost all the lectures that have taken place since the time I began. No doubt. And that is because, that was because it was a wonderful activity wherein sometimes we don't give importance to attending because of the time phase. But if you learn from others, it's really, really vital and worth learning. Secondly, I got a time to interact with all of y'all. Now, let me go back and begin my little journey with Dr. Thatte. It was way back in 1995 that I met him first at Pune, and wherein he invited me over to a place called Sandila, wherein Dr. Avasthi, myself, and a few others who may not be present over here, were present in Sandila for a month together. Quality-wise, it was a different experience totally for me coming from Goa. But later on, from time and again, we have been visiting Lucknow at every juncture wherein he would invite us for something. Yeah, and that was what have made or created a lot of memories for me. I would just like to mention over here that as Rachana Sharir scholars, if you look at all the importance that is given in Ayurveda, we are the last persons to be regarded by anybody or any field. But my experience has been that all the Rachana Sharir scholars that I have met have got fantastic knowledge, and they form the base of creating the Vaidyas of today's genre. If they were not able to create doctors or Vaidyas who are proficient
in understanding the human body, the existence of other fields of medicine wouldn't be there at all. So just it would be more beneficial for us and the students around us if we speak on platforms like this more often than ever. मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पूरी हिंदी में बात कर सकूं, लेकिन प्रयास तो रहेगा आगे से कि थोड़ा सा ज्यादा हिंदी में बात किया जाए. Dr. Nidhi, it was so wonderful to see you and your activity. You actually come out as what I would say, a bout of excitement, and you pass on this infectious, as I would say, activity to everybody else around. Dr. Rakesh Sharma, it would be wonderful if you could continue with these kind of activities for a lot of people, because though you see the attendance not very good today, but I think if passed on and made important to all of us, we would certainly love to join. Dr. K.N. Singh, it was wonderful to see you. Dr. Neelam Gupta also, it was wonderful to see you. I think I'm seeing you all after so long as such. It will be my open invitation for all of you all. Whenever you all desire to come and visit Goa, please let me know. My home is always open to everybody. Yeah. And on this note, let us, Dr. Dinduria, we have not met in person as such, lekin bahut acha rahega agar hum kabhi to mil payenge as such. Yeah, it will be lovely to see you as such. Yeah. So thank you for giving me this opportunity of sharing my views and as well giving me the honor of being on the platform of expressing my little knowledge that I have about it. Thank you so much. Lovely meeting all of you. Thank you, Professor Gordon, sir. It's nice to see you that every time you are there. First, I would like to see that you have been present throughout the series, and this motivates us and this encourages us to move up in these type of activities. And another one, time and again, whenever you have been in the viewing, sharing your views regarding your consideration, you every time you call that you please visit Goa whenever happens, when anybody whenever happens to come to Goa, you please visit to me. So so far this has been an unfortunate condition so far, that due to corona nobody is able to visit anywhere, but luckily we just because of this platform, we are having an online interaction, online meeting each other together. So this is itself, you can say, a big boon to ourselves that we can meet each other. That, as Neelam told, that Professor Thattesar used to organize two workshops an year, and we used to meet over there, and we certainly remember those days. Those were the golden days. We are not able to do week as she told that whatever he did, it isn't as Gindoria said, whatever he did, we cannot compare with him. We cannot move to his level. He was something supernatural person, and we are just touching. We are trying to touch his bottom level, if that we can do. And ultimately, we are having this type of activities so that we can meet each other. Ayurveda, Sharir, Sarantri can meet each other. This is what our motto is. We are doing. Thanks, Professor Kodesar. We will certainly abide by your suggestions. Thank you very much, sir. Next, I would like to invite Professor K.N. Singh, sir. He is there. Professor K.N. Singh, sir. From BHU, he is professor and head Department of Rajana Sharir Faculty of Ayurveda, IMS BHU. He has delivered a lecture also in this series. I am really thankful to him for sparing such a valuable time on 19th of May 2021. Thank you, Professor K.N. Singh. Please share your views. First of all, thank you very much, Professor Rakesh Sharma ji. And namaskar to Professor Indoria sir. You have lost your connection, sir. Are you listening to me?
हेलो आवाज नहीं आ रही प्रोफेसर हाँ आवाज नहीं आ रही जी आवाज नहीं आ रही आपकी पता शायद नेटवर्क कनेक्शन किसी का फोन आ गया जस्ट अ मिनट सर हाँ 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 वही वही कुछ ना कुछ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हेलो हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है बताएं बीच में फोन आ गया वो संपूर्ण रूप से अच्छा डॉक्टर यादव का जो है जी जी तो सबसे पहले तो मैं आचार्य प्रोफेसर थट्टे सर के जन्मदिन पे उनको बधाई देना चाहूंगा आज उनका जन्मदिन है और साथ में बहुत बहुत बधाई आपको पूरा 6 लेक्चर का जो सीरीज है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के साथ आज आई थिंक फ्रॉम द भोपाल आई थिंक केडलीगर साहब का लेक्चर हुआ बड़ा अच्छा लेक्चर था और उसके साथ साथ में कोडे जी का लेक्चर हमने सुना और कैंटी साहब का सुना तो मतलब सारे अच्छे इंट्रैक्शन हुए और बहुत ही अच्छा रहा कुल मिलाकर के प्रोग्राम तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई स्पेशली हमारे जो सीनियर हैं राकेश शर्मा जी का और निधि श्रीवास्तव जी जो हमारी जूनियर है उनको भी बहुत बहुत बधाई उन्होंने आज कुछ अनाउंसमेंट किए जो है प्राइज जो बच्चों ने जीते तो बच्चे ही इसके बैकबोन है बेसिकली इन सब प्रोग्राम्स के तो बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो बच्चे प्राइज जीते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो एकेडमिक एक्टिविटी है आजकल ऑनलाइन ही चल रहा है तो ऑनलाइन ही अगर चलता रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सब लोग मिलते हैं इसमें हमारे सीनियर प्रोफेसर इंदौरिया जी को मैं देख पा रहा हूँ बड़ा दर्शन करके बड़ा अच्छा लग रहा है सर का और हमारी जो है प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर नीलम गुप्ता जी यहाँ विद्वान है बहुत बिजी हैं आजकल तो सबको देखना बड़ा अच्छा एक सुखद एहसास है सुखद मतलब एक्सपीरियंस है इन सब शब्दों के साथ जो है मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ा खराब है एक दो हफ्ते से वायरल फीवर चल रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में भी इन्हीं सब शब्दों के साथ सबको नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप बहुत एक्टिव रहते हैं आप हर लेक्चर में उपस्थित रहे हैं आई एम सो ग्रेटफुल टू यू और मैं ईश्वर से कामना करूं कि आपके शरीर की रचना एकदम इंटैक्ट बनी रहे और क्रिया भी एकदम इंटैक्ट बनी रहे बिल्कुल ईश्वर आपको जल्दी ठीक भगवान विश्वनाथ हमारे जोधपुर से सूर्य भगवान और आपके विश्वनाथ जी है वो आपको स्वस्थ रखें और नेक्स्ट कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ में अगर डॉक्टर मदन मोहन झा झांसी से मौजूद हैं क्या अवेलेबल है वो डॉक्टर मधुमोहन झा जी सर नमस्ते 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 मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा डॉक्टर मधुमोहन झा हमारे जयपुर से एनआईए से हमारे बहुत ही स्नेही जूनियर रहे हैं और झांसी में पिछले कई सालों से वहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत रचना शास्त्र विभाग में और दूसरा महत्वपूर्ण जो मैं इनका परिचय करवाना चाहूंगा इनका हमारे को बहुत सहयोग मिला है कि आप जो है जो हमारा जो ऐसे कंपटीशन है उसके एडजुडिकेटर रहे एवेल्युएटर रहे हैं आपने बहुत समय दिया है एक्चुअली हमें उन लोगों को एंगेज करना पड़ता है जहाँ से ऐसे नहीं आए हैं तो ऐसे लोगों को हमें एंगेज करना पड़ता है तो क्योंकि अभी जो है दुर्भाग्य से कह सकता हूँ कि अभी झांसी में पीजी नहीं है तो इसलिए भी जब पीजी होगा तो शायद ये भी हमारे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो बच्चों के लिए एवेल्युएट करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है सर और इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका मैं आपके भी इस अवसर पर जो है आपके व्यूज इस विषय में जानना चाहूंगा थैंक यू सर थैंक्स यू आर वेलकम बताए आपके अनुभव शेयर करें सर इस आयोजन में पधारे हुए सभी हमारे गुरुजन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत एवं वंदन करता हूं। राकेश सर द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है सेमिनार आप सभी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय है और मैं ऐसे कॉम्पिटिशन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा
सभी कंप्यूटर से बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा लिखा और फर्स्ट सेकंड तो अलग बात है, लेकिन उनका प्रयास सराहनीय था। इसी प्रकार से सभी लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट भाग लेते रहे और भी अच्छा होगा। आयुर्वेद की उन्नति के लिए ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद आप सभी का मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा जी उदयपुर से। प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा उदयपुर से, क्या वो सुन पा रहे हैं मुझे? प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा, वो अभी उपलब्ध नहीं है। हेलो, शायद डॉक्टर टीना सिंघल क्या उपलब्ध है हमारे साथ में? वो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं डॉक्टर टीना सिंघल संपूर्णानंद में प्रवक्ता के पद पर हूँ। सर प्रथम तो ठत्ते सर के आज इस उपलक्ष में मैं सर्वप्रथम उनको नमन करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। सर लेक्चर सीरीज ये बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज थी, मैं भी इससे पर्सनली बहुत लाभान्वित हुई हूँ और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था कला वाला। इसमें बहुत जो मतलब पॉइंट्स बताए गए वो बहुत डिफरेंट थे और बहुत सही थे। इसी एस्पेक्ट में अगर और आगे सोचा जाए तो काफ़ी कुछ इसको इलेबोरेट और इंटरप्रेट किया जा सकता है। सर जब मैं JR थी तब मतलब उसी टाइम मुझे इस सेमिनार का जो ठत्ते सर करवाते थे उसी टाइम मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था मुझे किसी डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलता था कि किसी डिपार्टमेंट में सेमिनार हो रहा है। और उस टाइम हम लोग का सिर्फ रचना शरीर का, जहां तक मैं जान रही हूँ, रचना शरीर का सेमिनार होता था और साल में 2 बार होता था और इस बहाने आप सभी गुरुजनों को भी जानने का मौका मिल जाता था। तो सर थैंक्स फॉर दिस लेक्चर सीरीज और आगे मैं भी चाहूंगी कि ये लेक्चर सीरीज आगे भी कंटिन्यू हो और सर अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी हो तो यूट्यूब पे या जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर, हम लोग कभी कभी देख भी सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और बाकी सर आप YouTube पे सब अवेलेबल है लेक्चर्स? बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा था एक बार में। अब आप बोल डॉक्टर, ऐसा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें जुड़े हुए हैं क्या? ये स्टालवर्ट्स में, स्टालवर्ट्स ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है? हां जी, स्टालवर्ट्स जुड़ी हुई हूं जी सर। हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका, यूनिवर्सिटी का जो YouTube चैनल है उस पर सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते अच्छा। हैं जब भी। आज वाला लेक्चर अभी अपलोड होगा, बाकी सारे पुराने अपलोड हो चुके हैं। बस एक बार उस पर डाल दीजिएगा स्टालवर्ट्स पे आप और रचना शायरी पे लिंक। बिल्कुल वापस डाल देंगे बिल्कुल। हाँ ठीक, थैंक यू। बस सर ये आगे चलता रहे, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपको निधि मैम को और इंदौरिया सर, नीलम मैम, के एन सिंह सर, अवस्थी सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर टीना। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलका त्यागी जी, क्या वो हमारे साथ मौजूद हैं? डॉक्टर अलका त्यागी जी, क्या वो मौजूद नहीं है? डॉक्टर संदीप मधुकर लहंगे, क्या वो मौजूद हैं? आज एक ऐसा अवसर है, सभी अंतिम व्याख्यान है, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बार जो हैं अपने अवेलेबल उनसे अगर बात हो जाए, क्योंकि संदीप लहंगे भी हमारे हर लेक्चर में मौजूद रहे हैं, अभी शायद हो सकता है कहीं वो कहीं एंगेज हैं। मैं आमंत्रित करूँगा अब इसके बाद डॉक्टर निधि श्रीवास्तव को कि एक बार वो भी अपना जो है उद्गार अच्छे साहब के बारे में एक बार पुनः व्यक्त करें। जी सर, थैंक यू सर। सर ठट्टे सर के जी के बारे में क्या बोले, वो तो मतलब वो ऐसे है ना कि बस गए हम लोगों के अंदर। अब जब हम लोग ठट्टे सर से ऊपर जाके मिलेंगे तभी निकलेंगे, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल हमें लगता है कि पर्सनली, मुझे तो हम सबको लगना भी चाहिए, लेकिन मुझे तो पर्सनली लगता है कि
कि जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, क्योंकि शरीर रचना में इतना डेवलपमेंट होना ये अकल्पनीय है। ये शरीर रचना के लोगों को भी लोग जान पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में इतना डिफ्रेंशिएशन था कि जिसकी मतलब परंपरा के तौर पे थट्टे सर ने ही जो सेमिनार स्टार्ट किए थे, और जो टीना सिंघल हैं या जो भी समझ लीजिए, वाकई हम लोगों को एक परिवार लगता है। इतना बड़ा परिवार जो सर छोड़ के गए थे, आज भी ये जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आसान नहीं होता है ये सब कहना, बहुत मतलब सिंपल लगता है, बट आज भी मैं देखती हूँ कि शरीर रचना के तौर पे मैं मान लीजिए केएन सिंह सर से कोई निवेदन करती हूँ। केएन सिंह सर ठीक है मेरे सीनियर थे, बट वो जब हम संस्था में जा रहे थे तब आप लोग आप हैं चाहे राकेश शर्मा सर हैं, आप लोग निकल रहे थे वहां से, मतलब आपकी सिर्फ हमने शक्ल देखी थी, आप लोग टी सी वी सी लेने आते थे, मतलब आपसे कभी हमारा उस तरह से मिलना नहीं हुआ था कि हमने आपसे बात करी हो, लेकिन थट्टे सर के सेमिनार में हम मिले, और आज हम लोगों का रिश्ता देखिए इस तरीके से, हम लोग बुक भी लिख रहे हैं, सेमिनार भी कर रहे हैं, वेबिनार भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें होती है जहां हम लोग को मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, ये सब थट्टे सर की देन है बेसिकली। अगर वो नहीं होते सेमिनार नहीं होता। टीना सिंघल है मेरी छोटी बहन की तरह मुझे मिली, वाकई मैं कहना चाहूंगी। नीलम गुप्ता मैम है, मतलब एक प्रिया पैच, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को हमने भी जोड़ा है। तो आज उन लोगों के साथ जो यहाँ मौजूद नहीं है, एक्चुअली क्या है, एक तो ये प्रोग्राम बुधवार की जगह मंगल को हो गया, एक थोड़ा अटेंडेंस इससे भी कम हुई है, दूसरी बात ये जो है वर्किंग आवर्स समय है, सबकी ऑनलाइन क्लासेस रहती है टीचर्स की, इवन मेरी चलिए बुध बृहस्पति शुक्र में, इसलिए मैं बच गई, नहीं तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती आज की। तो ऐसे भी इसके कारण से स्टूडेंट्स वगैरह सब इंगेज हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज के बच्चे थे, नहीं अटेंड कर पाए, वो चाहते हुए नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि सबकी क्लासेस चल रही है, किसी की पदार्थ विज्ञान की, किसी की अष्टांग संग्रह की, लेकिन यहाँ तो बात थट्टे सर की है, तो थट्टे सर के लिए बस हम लोग करके दिखा सकते हैं। थट्टे सर का मतलब है करके दिखाओ, बोलो नहीं, मैं सीधी बात है। बस इसी के साथ मैं सर को नमन करती हूँ, और उनकी वजह से मैं आप लोगों से मिल पाई, ये मेरा सबसे बड़ा जो मैंने पाया है वो ये कि मैंने आप लोगों को पाया सबको, ये मेरे लिए बहुत। नीलेश कोरडे सर, मतलब उनको ध्यान नहीं होगा, मैं भी संडीला में थी सर, आपको ध्यान नहीं होगा, जब आप लोग संडीला में थे तब मैं भी संडीला में आई थी, बट मैं कम दिन रह पाई थी बिकॉज मेरी मैरिज थी, तो मैं सर को तब से जानती हूँ। और ठीक है सर, इतना ही बोलना चाहूंगी। हम सभी थे वहीं पे संडीला से। हाँ सर, वही ना। चलिए, और इसके बाद में हमारे साथ में एक राजेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, क्या वो मौजूद हैं अभी, राजेंद्र कुमार शर्मा जी? लगता है शायद वो मौजूद हैं। और कोई अगर अपना उद्गार व्यक्त करना चाहें तो वो अपनी बात रख सकते हैं। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर हिज व्यूज? मुझे लगता है आज का इनफ, आज जो है हम सब लोग जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, और मैं एक हमारे जो एवेल्यूएटर का परिचय करवाया था, दो हमारे एवेल्यूएटर और थे, मैं उनका भी परिचय करवाना चाहूँगा। एक हमारे एवेल्यूएटर थे प्रोफेसर अलेक चंद्र महांती सर, उड़ीसा से, बलांगीर में हैं, आयुर्वेद कॉलेज में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बलांगीर से। और हमारे तीसरे एडजुडिकेटर थे आसाम से, गुवाहाटी से, प्रोफेसर टिकेंद्र जीत शर्मा। ये तीनों लोग हमारे इवेल्यूएटर थे अक्रॉस द इंडिया, जो हमारे ऐसे हमारे अक्रॉस इंडिया से आए थे, उन लोगों के लिए हमने अक्रॉस इंडिया जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है उन्हीं टीचर्स को एंगेज किया था, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस था, और उनके द्वारा जो ये रिजल्ट प्रिपेयर किया था, और अल्टीमेटली जो छात्र जीते हैं मैं वो उन सबको जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो जिन्होंने प्रयास किया, जो इस मार्ग तक नहीं पहुंच पाए हैं, मैं उनको फिर एक बार जो है प्रयास करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अवसर तो चलते रहते हैं, क्योंकि सभी तो अंडर 10 आएंगे नहीं, सभी तो अंडर 3 होंगे नहीं, ये तो चलता रहेगा लाइफ, अपना अपना प्रयास सबको करना चाहिए। अगले वर्ष फिर होगा। अभी अरविंद कुमार पाठक हैं, उनका इस बार भी था, पिछली बार भी था, यादव या पाठक है उनका, पिछली बार भी अंडर 10 में था, इस बार भी अंडर 10 था,
अंडर थ्री नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, तो हमारे मैंने देखा, मैं चार साल का अनुभव है। उमर एक बार भी लास्ट टाइम भी थी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके लोग अपना प्रयास करते रहे, कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने दो दो बार जिनके नाम आए हैं, तो हालांकि हम टॉपर थ्री में कोशिश करते हैं कि रिपीट नहीं करें टॉपर थ्री में, बाकी हम आर्टिकल हम उनके अलाउ कर देते हैं, तो क्योंकि बच्चों के प्रयास हैं, तो अपने प्रयास करते रहें, जो है ईश्वर आपको निरंतर प्रगति और ज्ञान वर्धन के साथ में लाभान्वित करें, मेरी ईश्वर से यही कामना है। सभी की शरीर की रचना और क्रिया बनी रहे, ऐसा मेरा आप सबसे ईश्वर से कामना है। और इसी के साथ मैं आज अब सबसे विदाई लेना चाहूँगा। हमारे बीच में अभी भी मौजूद हैं केएन सिंह सर, इंदौरिया जी सर, मैं आप सब लोगों का, आप लोगों ने समय दिया है, आप सबका बहुत बहुत आभार सर। और फिर हम उम्मीद करेंगे जब भी हम याद करेंगे आप हमेशा उपस्थित रहेंगे। मेरा बहुत बहुत नमन है आप सभी विद्वानों को, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ यदि आज्ञा हो तो हम कॉल ऑफ करें सर, सब लोग अगर आप एग्री हो। बिल्कुल जी, जी बॉस। Yeah.